अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें ये पूछ दिया जाता है कि इसमें इसका वर्गमूल जो निकलेगा उसमें कितने अंक होंगे। कोई बड़ा सा नंबर दिया होता है और ये पूछा जाता है कि इसका जब वर्गमूल निकाला जाए तो कितने अंकों का वर्गमूल आएगा। जैसे यहाँ कोई नंबर दे दिया गया 2, 3, 5, 6, 8, 3, 2 ऐसे करके कोई नंबर लिख दिया गया। अब ये पूछता है फिर चार दिए होंगे कि 2, 4, 6 ऐसे करके उसके ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें आप कैसे पहचान पाएंगे कि कुल कितने अंक होंगे उसके वर्गमूल में। तो मैंने सोचा इसको बता दिया जाए छोटे से समय के लिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए पेयर बनाते हैं ना, इधर साइड से पेयर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए एक पेयर है ना, दूसरा, तीसरा और ये अकेला बच जाता है। तो जो अकेला बच जाता है तो ये पेयर इसी में से, तो वर्गमूल निकालने का सिस्टम ऐसे होता है। तो यहां पर संख्या जो आएगी, जो वर्गमूल में संख्या आएगी वो आएगी जितने ये पेयर हैं। अब इसमें जब वर्गमूल निकलेगा तो उसमें कुल 1, 2, 3, 4 नंबर होंगे, 4 अंक इसके वर्गमूल में होंगे। तो कोई भी नंबर, अब जैसे यही नंबर यहां कोई दो एक नंबर और लिखा होता या कोई बड़ा नंबर हो जाता, तो यहां 5 और बढ़ा दीजिए मान लीजिए। तो देखिए इसमें यहां से पेयर बनाइए 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 ही अंक होंगे। मतलब पेयर बनाते समय जितने पेयर बनते हैं रिजल्ट में उतने ही अंक का वर्गमूल निकलता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये सिर्फ इतने नहीं, अब ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये संख्या देखिए कितनी है, इसमें इस पूरे नंबर में जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया है इसमें अंक कितने हैं काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हैं। 8 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। ये जो सम संख्या होती है, अगर उसके नंबर सम संख्या में हैं, जो नंबर गिवन है, तो उसके वर्गमूल में इसका आधा अंक होगा। मतलब अगर सम संख्या है, ये नंबरों की संख्या सम है, तो इसके वर्गमूल में वर्गमूल में 8/2 यानी 4 अंक होंगे, 4 अंक। सम संख्या है तो उसका आधा कर लीजिए, गिनतियां गिन लीजिए कितनी है और उसका आधा कर दीजिए, बस उतने ही अंक उसके वर्गमूल में होंगे। और अगर ये संख्या विषम है, अगर कोई संख्या दी हुई है और उस वो नंबर विषम है, यहां पर ये विषम नंबर आ गया, अगर ये संख्या विषम है, विषम का मतलब होता है 2 से ना विभाजित होने वाला नंबर। अब जैसे काउंट करिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 अंक हैं। अब 9 अंक क्या है, ये विषम है, ये हो गया विषम। अब ये विषम होने पर रिजल्ट में इसका वर्गमूल जो निकाला जाएगा उसमें कितने अंक होंगे। अब पेयर अगर बनाते तो देखिए कितने बनते, 9 के बाद यहां जब ये बनता हुआ आता तो देखिए 1, 2, 3, 4, अब ये नहीं बनता है लेकिन लाइन तो खींची जाती, तो ऊपर जितनी लाइनें खींची गई हैं उतने अंक होते हैं। ये यूं समझ लीजिए, ये जब विषम संख्या होती है तो ये जो विषम संख्या है इसके बाद वाला नंबर, उत्तरवर्ती जिसको कहते हैं, मतलब इसके बाद का जो नंबर है वो 10 जैसे होता है, सम संख्या, उसके आधे अंक होते हैं, यानी 5 अंक होंगे इसके वर्गमूल में। कितने अंक होंगे, 5 अंक होंगे। तो आपने क्या सीखा कि अगर संख्या सम है तो उसका आधा कर लीजिए, अगर विषम है तो जितने अंक है ना उसमें 1+ करके तब आधा कर लीजिए, तो इतने अंक उसके वर्गमूल में होंगे।
ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर पढ़ाई नहीं जाती, माइंड में रहती हैं और वक्त आने पर काम देती हैं। वहीं तलाशा जाता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं वो अपने आपके ज्ञान का, आपके मन में क्या चल रहा है उसी की तो परीक्षा होती है। आपको याद भी है कि नहीं, रट करके थोड़ी एग्जाम होता है, आपने अब तक जितना ये ग्रहण किया हुआ है उसमें से निकालना होता है। तो आप इन बातों को एक बार रिवाइज कर लीजिए और छोटी छोटी वीडियो में डाल रहा हूं 2-3-4 मिनट के, इनको देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज मैं कुछ ऐसी ही बातें डाल रहा हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।